आजकल एक बहुत बड़ी चीज चलती है लोगों के लिए, जब वेज नॉन वेज की बात कही जाती है तो जो नॉन वेज खाने वाले होते हैं वो हमेशा एक तर्क दिया करते हैं कि आप लोग किसी भी एनिमल को मारने में काटने में तो कहते हो कि ये नहीं करना चाहिए, इसको नहीं खाना चाहिए, लेकिन आप भी तो प्लांट्स का सेवन करते हो, माने पेड़ पौधों फलों आदि का सेवन करते हो, इसमें भी जीव होते हैं और हम जिसको खा रहे हैं उसमें भी जीव होते हैं। ऐसे लोगों के लिए कभी भी ये नहीं सिखाना चाहिए कि हम नॉनवेज इसलिए नहीं लेते क्योंकि उसमें हिंसा होती है, यूं नहीं बोलना चाहिए। मैं अब आपसे मैं नई बात कह रहा हूं, अगर आप हिंसा की बात करोगे तो वो कहेंगे कि भाई जीव तो सभी हैं, जीव तो सभी मर रहे हैं, जीव में हिंसा होती है, आपके लिए पेड़ पौधे वनस्पति में भी जीव होते हैं, आपने ही कहा है और आप उनको भी मार देते हैं, उनको भी खाते हैं, तो हिंसा तो उसमें भी होती है। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि इसमें हिंसा या अहिंसा का धर्म है। अगर आप ये कहते हो कि हम नॉनवेज नहीं लेते तो हम क्या नहीं लेते, हम गंदी चीजें नहीं लेते। गंदी चीजों में क्या आता है, किसी का खून पीना, किसी का मांस खाना, गंदे सड़े गले शरीर का भोजन नहीं करते हम। उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा नॉन वेज का आग्रह करने वाले होते हैं उन्हें आप हिंसा अहिंसा मत समझाइए, अब उन्हें आप एक इंद्री चार इंद्री जीव मत समझाइए, उन्हें यह समझाइए कि हम जो भोजन लेते हैं उस भोजन में मांस नहीं होता, मांस एक गंदी चीज है, हम जो भोजन लेते हैं उसमें किसी का खून नहीं बहता, खून एक गंदी चीज है, शरीर के अंदर जो अवयव बनते हैं, जो शरीर के अंदर एक्सट्रैक्ट निकलता है, वो सारी गंदगी चीजें शरीर के अंदर होती हैं, हम उनका ग्रहण नहीं करते, हम वो गंदी चीजें नहीं खाते। तो वो कहेगा कि आप वनस्पति लेते हैं, वनस्पति में कभी खून नहीं होता, वनस्पति में कभी हड्डियां नहीं होती, वनस्पति में कभी कोई चर्म नहीं होती, वनस्पति में कभी किसी का मांस नहीं होता। कोई भी जो गंदी चीजें हैं, मांस खाल हड्डियां और भी खून आदि वसा आदि, ये जितनी भी गंदी चीजें हैं ये सब कोई भी चीजें वनस्पतियों में नहीं हुआ करती। जैसे हमारे लिए सांस लेना जरूरी है, जैसे हमारे लिए जल पीना जरूरी है, जैसे हमारे लिए धरती पर रहना जरूरी है, वैसे ही हमारे लिए वनस्पति का सेवन करना भी जरूरी है। उसके बिना मनुष्य का जीवन चल नहीं सकता। ये उसी तरह की जरूरत है जैसे जल पीने की जरूरत है, श्वास लेने की जरूरत है। तो जल में भी जीव होता है, श्वास लेते हैं उसमें भी जीव होता है, हम उस जीव की हिंसा से नहीं बच सकते हैं जिससे हमारा जीवन चलता है। इसी तरह से वनस्पति की हिंसा से हम नहीं बच सकते हैं क्योंकि उसके बिना हमारा जीवन नहीं चलता है। भले ही गेहूं हो, चावल हो, पक गए हों, लेकिन वो भी धानने के बाद ही पकते हैं, वो भी एक फसल है, उसमें भी वनस्पतियां का ही वो एक प्रारूप है, वो सूखा है कोई गीला है। लेकिन बिना वनस्पति के, बिना अन्न के हमारा जीवन नहीं चल सकता, लेकिन बिना मांस खाए हमारा जीवन चल सकता है। किसी दूसरे को मारे बिना, किसी दूसरे का खून पिए बिना हम जी सकते हैं। पानी पियो, खून मत पियो, वनस्पति खाओ, फल फ्रूट खाओ, मांस मत खाओ। ये अगर आप तर्क देंगे तो शायद वो उस तर्क के माध्यम से उसके सामने कुछ उसके ज्ञान में वो बात पहुंच सकती है, क्योंकि ये बात सभी के लिए समझ में आती है कि कोई भी चीज जो गंदी है वो क्या है, शरीर से जुड़ा हुआ मांस खून, ये गंदे पदार्थ होते हैं। अब अगर ये चीजें खाने में आने लग जाती हैं तो आचार्य कहते हैं कि इसके माध्यम से आपके लिए फिर कभी भी आपके मन में, आपके किसी भी तरह से विचारों में शुद्धता नहीं आ सकती। ये एक तर्क अगर आप दे सकें तो इस तर्क के माध्यम से ही लोग समझ पाएंगे।